अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है बिलाल। आज की वीडियो के अंदर मैं एक क्वेश्चन का आंसर दूंगा वेरिकोसील से रिलेटेड। तो एक लड़के ने क्वेश्चन किया है कि सर्दियों में सॉक्स पहन सकते हैं कि नहीं और सर्दियों में शूज़ पहन सकते हैं कि नहीं। तो देखो, सर्दियों में सॉक्स भी पहन सकते हो और शूज़ भी पहन सकते हो, पर उसमें कंडीशन आती है। अब कंडीशन ऐसी आती है कि कई लोग सॉक्स पहनते हैं, उसमें ये होता है कि जब सॉक्स आप उतारते हो तो आप देखते हो आपके लेग के ऊपर निशान बना होता है, पूरा गोल एक सर्कल बना होता है, ठीक है। वो इस वजह से बनता है क्योंकि जो भी आप सॉक्स पहनते हो तो वो ज़्यादा टाइट होती है, जिस वजह से जब भी आप चलते हो, ठीक है, या आप खड़े होते हो तो आपका ब्लड फ्लो आपकी वेंस के जरिए मूव हो रहा है आपके हार्ट की तरफ और वापस भी आ रहा होता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस में अगर सॉक्स आप पहनते हो ज़्यादा टाइट और वो आपके पाँव पे बना देती है निशान, तो वो सॉक्स जो है आपके लिए नुकसान दे सकती है क्योंकि वो ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं होने देती। इस वजह से आपको लेग में भी हैवीनेस फील होगी और आपको जो स्कॉटम है वो भी हैवीनेस फील होगी और पेन भी होगा। तो ये मिस्टेक नहीं करनी। सेकेंड मिस्टेक आता है शूज़ के ऊपर। शूज़ के जो लेसेस होते हैं उनको ज़्यादा आपने टाइट नहीं बांधा। जब भी आप लेसेस ज़्यादा टाइट बांधोगे उसमें भी आपके पाँव की जो वेंस हैं वो ब्लॉक होंगी, उसके मतलब जो ब्लड होगा वो भी ब्लॉक होगा, ठीक है। शूज़ जो हैं वो भी बिल्कुल मतलब खुले पहने, नॉर्मल पहनने हैं, इतने खुले नहीं पहनने कि मतलब पाँव डालो वापस निकालो तो शूज़ नीचे ही गिर जाए, इतने खुले भी नहीं पहनने। कहेंगे लोग बिल्कुल मतलब सिंपल से होते हैं ना, तो बात समझ नहीं आती, तो वो ये कहते हैं कि किस तरह पहने कैसे पहने, मतलब नॉर्मल पहनो। आप देखो जब भी शूज़ आप बांधते हो देखो मतलब वो ज़्यादा आपके पाँव के साथ मतलब बहुत ज़्यादा चिपका हुआ ना हो, बहुत ज़्यादा टाइट करके जैसे बांधते हैं, जैसे रनिंग के लिए आप बांधते हो, या कई लोगों को पसंद होता है शूज़ ज़्यादा टाइट करके बांधना, तो वो ज़्यादा मतलब शूज़ के जो लेसेज है वो ज़्यादा आपने टाइट नहीं करनी। सॉक्स जो हैं वो डबल सॉक्स आपने नहीं पहननी, सिंगल सॉक पहन सॉक्स जो हैं वो पहननी है, और सॉक्स जो है वो ज़्यादा टाइट नहीं होनी चाहिए। और इसके अलावा जो आप जीन्स की पैंट पहनते हो उसके साथ अगर आप बेल्ट बांधते हो तो बेल्ट भी आपकी ज़्यादा टाइट नहीं होनी चाहिए, और अगर आप शलवार पहनते हो उसका जो नाड़ा आप बांधते हो वो भी ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए। तो कोई भी चीज़ आपने ऐसी मिस्टेक नहीं करनी कि जिसमें आपको ये लगे कि ऐसा करने से आपका ब्लड फ्लो जो है वो रुक रहा है, ठीक है, वो प्रेस हो रहा है। अब फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ, मैं अपने हाथ को यहाँ से पकड़ लेता हूँ, ठीक है, और थोड़ी देर तक मैं पकड़े रखता हूँ तो मेरे हाथ में से वेंस नज़र आना स्टार्ट हो जाती हैं। क्यों आती हैं? क्योंकि वो ब्लड फ्लो नहीं हो रहा था और जो खून यहाँ पे रुका होता है वो कहीं जा नहीं पाता है, वहीं पे ब्लॉकेज की वजह से वो वेंस बाहर आ जाती हैं। और आप सोचो कि इस तरह ही आपने सॉक्स पहनी हुई है, शूज़ आपने टाइट पहने हुए हैं और आप कंटिन्यूसली चल रहे हो, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर आप चल रहे हो, तो आप सोचो आपके पाँव की वेंस आपके हाथों की वेंस बाहर क्यों नहीं आएंगी? क्योंकि आपने टाइट क्लॉथ पहने हुए हैं, टाइट सॉक्स पहनी हुई हैं, टाइट शूज़ पहने हुए हैं, इतना टाइट ना पहनो कि जो आपको नुकसान दे दे। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो भाई ने क्वेश्चन किया होगा मैंने उसका आंसर दे दिया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।